तो हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज संडे का दिन है तो मैंने सोचा कि आज आपको अब कनाडा का असली बर्फ का मौसम दिखाता हूँ कि आज विंटर है और आज मतलब इतनी बर्फ हो रही है ना। विंटर तो शुरू हो गया था एक महीने पहले से ही, लाइक दिसंबर से शुरू हो जाता है, बट आज जो है असली बर्फ गिरी है। पिछले दो तीन दिन से गिर रही है लेकिन आज संडे का दिन है तो आज से इतनी ज़्यादा बर्फ है और उसके साथ साथ इतनी हवा है ना कि बहुत ज़्यादा हवा है इस वक्त, मतलब कि 40 की स्पीड से हवा चल रही है। आपको पता नहीं चलेगा लेकिन क्योंकि आप वीडियो में देख रहे हो, बट एक्चुअल में फील जो हो रहा है वो मुझे हो रहा है, इतनी ज़्यादा बर्फ है। और यही चीज़ मैं आज आपको दिखाने आया हूँ कि कनाडा में जो बर्फ के टाइम पे जब विंटर होता है और बर्फ गिरती है, तेज़ बर्फबारी जब होती है तो कैसा फील होता है। मतलब आप खुद ही देख लो, चारों तरफ मतलब सिर्फ बर्फ ही बर्फ और इतनी तेज़ी से गिर रही है ना बर्फ। एक तरह से मतलब स्टॉर्म था अभी एक घंटे पहले, थोड़ा सा कम हुआ है स्टॉर्म इसलिए मैं थोड़ा बाहर निकला हूँ, वरना एक घंटे पहले तो और ऐसी हालत थी कि मैं बाहर भी नहीं निकल सकता था। बट आप देखिए कैसा मौसम हो रहा है दूर, अभी आपको देखो दूर 4-5 लोग दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पे देखो दूर एक बंदा खड़ा हुआ है, मतलब कोई नहीं दिख रहा। और ये पार्क है एक और यहाँ पे मैं हमेशा आता हूँ और यहाँ पे इतने सारे लोग होते हैं लेकिन आज यहाँ पे कोई नहीं आया, आप देख लो। लेकिन चारों तरफ इतनी खूबसूरती है ना, इतना सफ़ेद हो रहा है बता नहीं सकता। तो ये है भाई कनाडा के मज़े। अगर आपको भी कनाडा में मज़े लेने हैं ये वाले कश्मीर जैसे, जैसे इंडिया में कश्मीर में होता है, तो आप भी कनाडा आओ और ये वाले मज़ों के नज़ारों के मतलब मज़े उठाओ। आओ मैं आपको लेके चलता हूँ थोड़ा दूर पेड़ों की तरफ कि और क्या नज़ारा है। तो अभी इस वक्त सर्दी इतनी ज़्यादा है, हवा इतनी बढ़ चुकी है ना कि मुझे लग रहा है कि शायद वीडियो बना नहीं पाऊंगा, इतनी ज़्यादा हो चुकी है हवा। बस कार में जाके बैठना पड़ेगा और घर जाना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हवा हो गई है तेज़ और ठंड इतनी ज़्यादा है कि ग्लव्स भी नहीं लाया मैं, ग्लव्स भूल गया ना उसके चक्कर में, वो हो गया। चलो चलते ही हैं फिर। तो अब एक हाथ से कैमरा जैसे पकड़ा हो, इतनी ठंड हो रही है उसमें। तो यही है कनाडा के नज़ारे जो मैं आपको दिखाना चाहता था कि कनाडा में कि बर्फ विंटर्स के टाइम में जब असली बर्फ गिरती है तो क्या हाल होता है। इस वक्त कोई भी नहीं दिख रहा दूर दूर तक, लेकिन मैं यहाँ पे बस आया हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ। चलिए तो फिर अभी कार की तरफ मैं चलता हूँ, शायद वहाँ पे थोड़ा सुकून मिल जाए कार में बैठ के। चलिए तो फिर होती है आपसे दोबारा बात, कार में बैठता हूँ मैं, दोबारा वीडियो बनाऊंगा किसी और दिन। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब माय चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।